हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में अभी जो आप स्क्रीन पर लोगो देख रहे हो, इस तरह का लोगो आप कैसे क्रिएट कर सकते हो अपने मोबाइल फ़ोन से पिक्सल लैब ऐप का यूज़ करके, आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी का ट्यूटोरियल बताने वाला हूँ। तो अगर आप पिक्सल लैब ऐप को डाउनलोड करना चाहते हो तो वो आपको आसानी से गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। पिक्सल लैब को ओपन करने के बाद यहाँ पर न्यू टेक्स्ट पर डबल क्लिक करके इसको आप एडिट करके अपने चैनल का नाम लिख सकते हो। उसके बाद ओके पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर AC लिख कर आ गया है, मैं अमन क्रिएशन के नाम से बनाने वाला हूँ। अब यहाँ पर आपको ए वाले आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ पर फॉन्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसका आपको फॉन्ट चेंज कर लेना है। तो यहाँ पर मैं फॉन्ट यूज़ कर रहा हूँ, उस फॉन्ट का नाम है टारगेट कंडेंस्ड। इस फॉन्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इस फॉन्ट को डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपको फॉन्ट को पिक्सल लैब में कैसे ऐड करना है अगर आपको नहीं आता, तो उसके लिए भी मैंने वीडियो बना रखी है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हो। उसके बाद इसकी साइज़ को हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, आप अपने हिसाब से इसकी साइज़ को बड़ा या छोटा रख सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर स्पेसिंग में जाना है और इन लेटर्स के बीच की जो स्पेसिंग है इसको थोड़ा सा बढ़ा देना है। तो इसकी स्पेसिंग मैं यहाँ पर 20 कर देता हूँ। स्पेसिंग को इनक्रीज़ करने के बाद आपको टिक पर क्लिक कर देना है। अब इसके बाद आपको यहाँ ऊपर की तरफ जाना है, यहाँ पर कलर का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ से आप ए या सी, यहाँ पर नीचे आप लोग देख सकते हो, कोई भी आपको एक अल्फ़ाबेट सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ से। तो यहाँ से मैं ए को सिर्फ सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से ए का कलर ब्लैक कर देना है आपको। उसके बाद टिक पर क्लिक कर देना है। अब इसके बाद आपको यहाँ ए के साइड वाले आइकन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर इस तरह के ऑप्शंस मिल जाएंगे, यहाँ से आपको शेप्स में जाना है और यहाँ से आपको रेड कलर सेलेक्ट कर लेना है। तो ये शेप जो है रेक्टेंगल वाला आपको रेड कलर में आ जाएगा। इसके बाद आपको इसकी साइज़ को पतला कर लेना है, जैसे मैं आपको इस वीडियो में करके दिखा रहा हूँ। तो आपको इसकी इतनी चौड़ाई रखनी है और यहाँ पर जो सी के ऊपर वाला जो लाइन है उसके जस्ट नीचे आपको इसको रख देना है। इसको थोड़ा सा और पतला कर लेते हैं। इतना कर लेने के बाद आपको यहाँ लेयर वाले आइकन पर क्लिक करना है, फिर यहाँ टिक वाले पर क्लिक करके इन दोनों पर टिक कर देना है और बीच में जो मर्ज वाला आइकन है उस पर क्लिक करके ओके कर देना है। तो ये शेप और जो आपने AC लिखा था ये दोनों एक में मर्ज हो जाएंगे। अब इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आपको इरेज कलर का ऑप्शन दिखेगा, आपको इसको अनेबल कर देना है। तो यहाँ पर आपको आपका सी जो था वो इरेज हो गया, लेकिन आपको रेड कलर वाला इरेज करना है। तो यहाँ पर आपको कलर पिकर वाले आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ से इसको आपको रेड कलर पे ले जाना है और टिक कर देना है। तो ये जो बीच वाली लाइन थी ये आपकी इरेज हो जाएगी। इसका टॉलरेंस आप थोड़ा सा इनक्रीज़ करके 20 कर देना है, उसके बाद टिक कर देना है। अब आपको यहाँ से एक बार बैकग्राउंड पर क्लिक करना है, फिर ये ऑप्शंस आ जाएंगे। आपको शेप्स में जाना है और इस शेप का कलर आपको ब्लैक कर देना है। इसका कलर ब्लैक करने के बाद आपने जो सी लिखा हुआ है यहाँ पर अल्फ़ाबेट, उसकी साइज़ का आपको इसको कर देना है। जितना बड़ा आपका सी है ये उतना ही बड़ा रहना चाहिए। तो इसको हम इतना साइज़ इसकी कर देते हैं। इसकी साइज़ को आपको आराम से अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। तो इसको इस तरह से हम कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको टू बैक का ऑप्शन दिखेगा, आपको इस पर कर देना है। अभी ये थोड़ा सा ज़्यादा नीचे है, तो इसके लिए हम सबसे पहले जो ए और सी लिखे हैं इस वाली लेयर को लॉक कर देंगे, जिससे हम आसानी से इसको ऊपर नीचे कर सकें। तो इसको हम अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक पोजीशन का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, इस पोजीशन वाले आइकन पर क्लिक करना है। यहाँ से भी आप एरो का यूज़ करके आसानी से इसको एडजस्ट कर सकते हो। इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेने के बाद आपको टिक पर क्लिक कर देना है। अब आपको फिर से यहाँ पर लेयर्स में जाना है और यहाँ पर टिक वाले आइकन पर क्लिक करके इन दोनों लेयर्स पर टिक करके इन दोनों को भी आपको मर्ज कर लेना है। मर्ज करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आपको इरेज कलर में जाना है और इसको अनेबल कर देना है। इसको अनेबल करने के बाद इसका टॉलरेंस आपको पूरा फुल कर देना है, जिससे वाइट कलर यहाँ से एकदम अच्छे से रिमूव हो जाए। अब आपको इसको करना है साइड में और यहाँ पर कुछ और चीज़ें आपको करनी है।
तो सबसे पहले बैकग्राउंड पर क्लिक करना है तो ये ऑप्शंस आ जाएंगे। अब आपको शेप्स में जाना है और यहाँ पर अभी रेक्टेंगुलर शेप है, इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे शेप्स देखने को मिल जाएंगे। यहाँ से आपको सर्किल का शेप सेलेक्ट कर लेना है। शेप को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको इसका कलर चेंज करके ब्लैक कर देना है। इसका कलर चेंज करने के बाद इसका आप जो भी अपने लोगो की साइज़ को चाहते हैं उसके हिसाब से आपको इसकी साइज़ को बड़ा कर लेना है। इसकी साइज़ को अच्छे से कर लेने के बाद आपको यहाँ टिक पर क्लिक कर देना है। अब इसके बाद आपको फिर से बैकग्राउंड पर क्लिक करना है, फिर आपको शेप्स में जाना है और यहाँ से आपको इस शेप की साइज़ को इस तरह से बड़ा कर लेना है और इसको यहाँ सर्किल के बीचों बीच आपको रख देना है। इसके अंदर आपको अपना टेक्स्ट भी रखना होगा तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग इसकी साइज़ को कर लेंगे। फिर आपको लेयर वाले आइकन पर जाना है और ये ऊपर वाला रेक्टेंगुलर शेप और सर्किल इन दोनों को ही मर्ज करना है। ध्यान रहे आप टेक्स्ट को टिक नहीं करेंगे, नहीं तो वो भी एक साथ मर्ज हो जाएगा। अब इसके बाद आपको यहाँ इरेज कलर में जा करके को इनेबल कर देना है तो ये वाइट कलर आपका रिमूव हो जाएगा। उसके बाद टिक पर क्लिक कर देना है। अब आपको अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है और इसको इसके बीच में आपको आसानी से अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। तो अभी बार बार ये सर्किल सेलेक्ट हो जा रहा है तो इसके लिए आपको लेयर में जाना है और इस सर्किल वाले लेयर को यहाँ से लॉक कर देना है। तो यहाँ से लेयर में जाएंगे, लॉक वाले बटन पर क्लिक कर देंगे तो अब ये सर्किल वाला लेयर इधर उधर नहीं होगा। अब आप अपने टेक्स्ट को आसानी से इसके बीच में एडजस्ट कर सकते हैं। इसको करने के बाद आपको फिर से शेप्स में जाना है और यहाँ से इस बार आपको यहाँ से ट्रायंगल का शेप सेलेक्ट कर लेना है। शेप को सेलेक्ट करने के बाद इसकी साइज़ को कुछ इस तरह से कम करके यहाँ पर ऊपर रख देना है। उसके बाद आपको टिक पर क्लिक कर देना है। अब आपको फिर से बैकग्राउंड पर क्लिक करना है। बैकग्राउंड पर क्लिक करने के बाद फिर से आपको शेप्स में जाना है और इस बार आपको यहाँ से स्टार का शेप सेलेक्ट कर लेना है और इस शेप को सेलेक्ट करने के बाद इसका कलर यहाँ से आपको चेंज करके ब्लैक कर देना है। इसका कलर चेंज करने के बाद इसको आपको इस ट्रायंगल के बीच में रख देना है। इसकी साइज़ को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर इतना कर लेने के बाद अब आपको टिक कर देना है। अब इसमें हमको यहाँ से पोजीशन में जाना है और इसकी पोजीशन को आप यहाँ से आसानी से एडजस्ट कर सकते हो। अब हमको इसमें टेक्स्ट भी ऐड करना है, जो भी हमारे कंपनी का नाम होगा या लोगों पे जो भी हम टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं उसके लिए ए पर क्लिक करना है और प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है तो यहाँ पर न्यू टेक्स्ट आ जाएगा। अब इसको आपको डबल टैप करके यहाँ से आप जो भी आपके चैनल का नाम हो या जिस नाम से आप बनाना चाहते हैं अपना लोगो, आपको अपना पूरा नाम वहाँ पर लिख देना है। तो मैं यहाँ पर अमन क्रिएशन लिख रहा हूँ, आपको अपने चैनल का नाम लिखना है। उसके बाद ओके कर देना है। फिर आपको इसको यहाँ पर नीचे की तरफ सेट कर देना है। अभी इसमें हम कुछ और चेंजेस करेंगे तो सबसे पहले यहाँ से हम स्टाइल में जाएंगे। स्टाइल में जा करके इसको बोल्ड कर देंगे थोड़ा सा। उसके बाद इसको बोल्ड करने के बाद यहाँ से ऊपर की तरफ स्पेसिंग में जाएंगे और इसकी थोड़ी सी स्पेसिंग भी हम बढ़ा देते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। यहाँ से इसकी स्पेसिंग थोड़ा सा 5 पर कर देते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर ये बन के रेडी हो चुका है। अब आपको यहाँ पर फिर से शेप्स में जाना है और यहाँ से आपको सर्कल वाला शेप फिर से सेलेक्ट कर लेना है। इसको सेलेक्ट करने के बाद इसकी ओपेसिटी 0% कर देना है और इसके स्ट्रोक विड्थ आपको थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है। आप अपने हिसाब से इसका बॉर्डर जितना मोटा पतला चाहते हो आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो। तो इसका विड्थ थोड़ा सा हम और बढ़ा देते हैं, अभी कुछ ज़्यादा पतला है। तो इसका विड्थ आपको अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेना है। इसकी विड्थ बढ़ाने के बाद आपको टिक पर कर देना है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो सर्कल है ये एकदम बीचों बीच रहे। उसके बाद आपको टिक वाले आइकन पर क्लिक करके इन सबको एक साथ मर्ज कर देना है। तो सबको पहले सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद मर्ज वाले आइकन पर क्लिक करके ओके कर देंगे तो ये सारी लेयर्स अब एक साथ मर्ज हो गई हैं। अब इसके बाद आपको यहाँ पर इसका इरेज कलर करना है तो नीचे की तरफ जाना है, यहाँ पर इरेज कलर का ऑप्शन दिखेगा, आपको इसको अनेबल कर देना है और इसका टॉलरेंस आपको यहाँ से इंक्रीज़ कर देना है पूरा फुल 70 तक, फिर टिक कर देना है। अभी इसमें हमको टेक्सचर ऐड करना है, लेकिन अगर आप ऐसे टेक्सचर ऐड करेंगे तो अच्छे से नहीं होगा। इसके लिए हमको शेप्स में जाना है और कोई भी शेप हो उससे मतलब नहीं है। इसकी साइज़, इसका कलर आपको ब्लैक कर देना है और उसके बाद इसको आपको इतना छोटा कर देना है कि ये ना दिखाई दे ऊपर।
इसको एकदम छोटा कर देंगे और इन दोनों को भी एक साथ मर्ज कर देंगे। अब आप आसानी से अपने लोगो में टेक्सचर ऐड कर पाएंगे। तो अब टेक्सचर ऐड करने की बारी है, तो आपको नीचे जाना है, यहाँ पर टेक्सचर का ऑप्शन आपको दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है, फिर गैलरी वाले आइकन पर क्लिक करना है, आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। यहाँ से आपको अपना टेक्सचर सेलेक्ट कर लेना है। इस टेक्सचर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर मेंटेन रेशियो अनेबल करके टिक कर देना है। इतना करने के बाद अब हमको इसमें कुछ शैडो देना है, फिर आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है इसको। यहाँ पर रिलेटिव पोजीशन में जा करके इसको हम एकदम बीच में अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको अब इसमें शैडो देना है, तो शैडो देने के लिए आपको इसको सेलेक्ट रखना है। अब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको एक शैडो का ऑप्शन दिखेगा, आपको इसमें जाना है और इसको आपको अनेबल कर देना है। इसको अनेबल करने के बाद इसमें हमको कुछ चेंजेस करने हैं, जैसे इसका ब्लर रेडियस आपको यहाँ से 6 कर देना है, ऑफसेट एक्स इसका 5 कर देना है और ऑफसेट वाई भी इसका 5 कर देना है। उसके बाद टिक कर देना है। अब इसका बैकग्राउंड चेंज करने के लिए बैकग्राउंड वाले आइकन पर क्लिक करके फ्रॉम गैलरी करना है, तो आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप बैकग्राउंड अपना सेलेक्ट कर लीजिए। इस बैकग्राउंड की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। अब आपको इसे अपने हिसाब से आप अपने लोगो की साइज़ को एडजस्ट कर सकते हो, इसका पोजीशन और साइज़ आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। उसके बाद अब आपका लोगो बनके रेडी हो चुका है। अब इसको सेव करना है, तो सेव करने के लिए सेव वाले आइकन पर क्लिक करके सेव एज इमेज सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर डाइमेंशंस कस्टम है, इसको अल्ट्रा कर देंगे। उसके बाद सेव टू गैलरी पर क्लिक कर देंगे, आपकी ये लोगो गैलरी में आपके सेव हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।